दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटीरियर मास्टर में। दोस्तों आज की वीडियो हम आपको फिर दिखाने वाले हैं एल्युमिनियम किचन। ये किचन हमने पूरी की पूरी एल्युमिनियम बनाया है। पहले छोटा इंट्रो, उसके बाद फुल फ्री। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर वाली मैं आपको कैबिनेट दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने ये पल्ला खोला है। इस पल्ले को अगर आप देखते हो, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने ये डोर बनाया है। देखो, बाहर और अंदर दोनों तरफ हम लोगों ने एसीपी सीट का वर्क किया गया और प्रोफाइल हैंडल के साथ हमने इसको बनाया है। ये देखो, दोनों साइड से इसको कवरिंग किया गया है। अगर कैबिनेट को आप देखते हो अच्छी तरीके से, इसकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग यानी रोटर के साथ फिनिशिंग देने के बाद हमने इसको कैबिनेट को बनाया है। सेकेंड वाली कैबिनेट देखते हो, इसको भी इसी तरह से। अगर इसका डोर की अगर हम बात करते हैं, इसका डोर जो हमारा है, ये आप देख रहे हो, इसमें हमारा ग्लास लगना है प्रोफाइल पैनल के साथ। ये भी हमारा डोर बना है। फ्रंट पे इसका ग्लास है। अगर बीच की पार्टीशन में देखते हैं, यहाँ पे एक हमारा ग्लास की सेल्फ आएगी। साथ वाली कैबिनेट जिसमें दो डोर के साथ हमने दिया है, इसके बीच में भी हमारी एक पार्टीशन आएगी जो कि ग्लास से ही आएगी। अगर ऊपर हम देखते हैं इसका बॉर्डर की, बॉर्डर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ एल्युमिनियम की प्रोफाइल के साथ ये बॉर्डर हमारा बना हुआ है। साथ वाली में देखो, ये हमारी JTP आ गई। JTP में यहाँ पे अगर देखते हैं, 30 से 35 हमारी यहाँ पे प्लेट आ सकती है। ये देखिए, सिंगल डोर के साथ हमने इसको दिया है। साथ वाला कैबिनेट में अगर देखते हो, सिंगल डोर यहाँ पे भी हमारा ग्लास के साथ ही वर्क होगा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे पास एक हमने योन के लिए बनाई है जगह, उसके ऊपर हमारा पल्ले के साथ दी है। और साथ में नीचे अगर हमने एक यहाँ पे देखते हो, एक द्रोज हमने यहाँ पे दिया है। नीचे हमने दो बास्केट के साथ यहाँ पे एक कैबिनेट को बनाया है, जिसमें हमारा कोई भी सब्जी हम यहाँ पे रख सकते हैं। आलू प्याज कुछ भी यहाँ पे रखा जा सकता है। अगर हम नीचे वाले कैबिनेट्स की बात करते हैं, तो ये अब देखिए, नीचे वाले कैबिनेट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा सिंपल कॉर्नर आ जाता है। ये देखिए, सिंपल कॉर्नर में इसमें हमने साथ में यहाँ पे एक स्लेब दी है। बीच में एक लंबी स्लेब यहाँ पे आ गई है। और इस कॉर्नर को हम खोल लेंगे तो दोनों साइड से हमारा ये ओपन होना है। दोनों साइड से हम इसे सामान अंदर रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये देखिए, सेकंड साइड से भी यहाँ पे एक छोटा पल्ला दिया है, दूसरी साइड में बड़ा पल्ला दिया है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक हमारे पास मसाला पॉट आ गया यहाँ पे। ये देखिए, 8 इंच का मसाला पॉट यहाँ पे सिंगल हमारा द्रोज के साथ है। अब नीचे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा सिंक के नीचे वाली है, इसको भी हमने अच्छी तरह से कवर किया, पूरा कवरिंग किया। पाइपिंग आने के बाद भी बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे हमें मिल जाता है, जिसमें हम कोई भी हमारा डस्टबिन या कोई भी यूजिंग सामान यहाँ पे रख सकते हैं। अब आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखो, कॉर्नर्स, ये कॉर्नर हमने बहुत ही अच्छा बनाया है। ये देखिए, जो हमारा कॉर्नर बना बनाया आता है मार्केट से, वो कॉर्नर हमने यहाँ पे यूज किया है, जिसको आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं और आसानी से हम इसको अंदर करके कोई भी सामान यहाँ पे अच्छे तरीके से रख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारा गैस चूल्हे के बिल्कुल नीचे हमारे यहाँ पे 4 इंच का हमने यहाँ पे एक बास ड्रोर दिए हैं। तीन ड्रोर हमारे यहाँ पे आए हैं, 2 4-4 इंच के, एक हमारे नीचे 6 इंच की बास्केट के साथ आया है। साथ वाले में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा 4 इंच, नीचे वाला में अगर ऑट्टे का हमने बनाया, ये हमारा 8 इंच में। देखो दोस्तों, नीचे का हमने इस तरह से, अगर आप इस किचन की पूरी फिनिशिंग की बात करते हो, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग यहाँ पे एल्युमिनियम में हमने दी है। इसकी मैं आपको छत भी दिखाने वाला हूँ। छत भी हमने यहाँ पे, जो छत बनी है ये बनी हमारी POP से। ये देखो, बहुत ही प्यारी यहाँ पे छत को बनाया है। और लाइटिंग तो इसमें बहुत ही अच्छी ग्रे से दी है। दोस्तों विश्वास है आपको हमारी ये वीडियो, ये हमारी किचन काम किया अच्छा लगा है। आशा करता हूँ आप हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाय दोस्तों, टेक केयर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।